दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर करवा चौथ के दिन भी हंगामा देखने को मिलेगा। मारिनी इस रस्म को निभाने की कोशिश करेगी और ये व्रत रखकर वो भी अपनी को अपना व्रत खुलवाने की कोशिश करेगी। उसने मन ही मन कहीं ना कहीं व्रत रखने की ठान ली होती है, जबकि सब लोग उसे मना करते कि करवा चौथ सिर्फ उसी के लिए रखा जाता है जिसके पति उनके साथ हो या फिर जो अब जिनका कोई तलाक लाग नहीं हुआ हो। लेकिन यहाँ पर भाई मालिनी तो अपने मन ही मन व्रत रख ही लेती है। इमली से काफ़ी कुछ कोशिश करती है, लेकिन बच्चे की खातिर मालिनी यहाँ पर व्रत तो नहीं रखती, लेकिन पूरी रस्म को खुद ही निभाने की कोशिश करती है। यानी कि पहले वाणी उस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आदित्य और इमली दोनों ही व्रत रखने वाले हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन मालिनी चाहती कि आदित्य के ये रस्म वो खुद पूरी करें, यानी कि मालिनी के साथ पूरी करें। और इसीलिए इस रस्म को इमली के साथ पूरी ना होने देने के लिए बेहोशी का ड्रामा करेगी मालिनी, ताकि करवा चौथ का व्रत आदित्य और इमली का पूरा ना हो सके। वो खुद व्रत नहीं रख सकती तो क्या हुआ, वो इन दोनों का व्रत भी पूरा नहीं होने देना चाहती। वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आदित्य को बार बार वो कुछ खिलाने की कोशिश में होगी, और दूसरी तरफ इमली यहाँ पर पूरा ध्यान रख रही है क्योंकि उसे पता है कि मालिनी कुछ ऐसा ही ड्रामा करेगी। तो जैसे ही यहाँ पर चांद निकलता है, मालिनी यहाँ पर बेहोशी का नाटक करती है, ताकि आदित्य उसके चक्कर में भाई इस बच्चे के चक्कर में मालिनी के तरफ बिजी हो जाए और ये चांद वाली रस्म उसकी पूरी ना हो पाए, उसका व्रत अधूरा ही रह जाए। लेकिन ऐसा इमली होने नहीं देती है, और देखने को मिलेगा आदित्य और इमली दोनों ही व्रत को पूरा करने वाले हैं। और इसके बाद में बेहोशी का ड्रामा जो भी होता है व्रत की रस्म के बाद, इमली उसे जाकर साफ समझा देती है कि आप चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन हमें मुझे और बाबू साहब को अलग नहीं कर पाएंगी। और मालिनी को साफ साफ चैलेंज कर देती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका असली चेहरा तो अब हम बाबू साहब के सामने लाके ही रहेंगे। और अब इमली बहुत ही धमाकेदार प्लान बनाने वाली है, जिसका कि हमें आने वाले एपिसोड में इसका काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा।